राष्ट्रनाथ कोविंद ने ताजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने संबोधन में कहा, भारतीय समुदाय के लोग देश के हैं सच्चे सांस्कृतिक दूत। उन्होंने भारत ताजिकिस्तान संबंधों को मजबूती प्रदान करने में भारतीय समुदाय की भूमिका को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश तेजी से बदलाव की ओर है अग्रसर। आने वाले दशकों में वैश्विक विकास में भारत की होगी अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश के युवाओं को प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए देना होगा अपना योगदान। और भारतीय वायुसेना मना रही है आज अपना 86वां स्थापना दिवस। भारतीय वायुसेना तकनीक और सामरिक दृष्टि से पिछले 8 दशकों से हो गई है मजबूत। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। ताजिकिस्तान की 3 दिन की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को दुशांबे में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और भारत ताजिकिस्तान संबंधों को मजबूती प्रदान करने में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग देश के सच्चे भारतीय सांस्कृतिक दूत हैं। राष्ट्रपति का आज दुशांबे के पैलेस ऑफ नेशन में स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ताजिकिस्तान की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने पहले दिन ताजिकिस्तान में भारतीय समुदाय और ताजिकिस्तान के भारत प्रेमी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान के साथ भारत के बहुत मजबूत संबंध रहे हैं। ताजिकिस्तान में भारतीयों ने भारतीय संस्कृति और विचार को मजबूत किया है। उन्होंने ताजिकिस्तान में हर भारतीय को भारत का राजदूत बताया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर भारत की तमाम सफल योजनाओं जैसे उज्ज्वला, हर गांव तक बिजली और सफाई अभियान का जिक्र किया और कहा कि भारत अब तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया सहित सरकार के प्रमुख कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने उज्ज्वला कार्यक्रम के जरिए हमने 5 करोड़ परिवारों को खाना पकाने की स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध करवा दी। इस अवसर पर भारतीय समुदाय के कलाकारों ने राष्ट्रपति कोविंद का संस्कृत भाषा में स्वागत किया और गीत गाए। ताजिकिस्तान में भारतीय समुदाय के छात्र मेडिकल की शिक्षा के लिए खास तौर पर आते हैं। यहाँ ताजिक लोगों में भारतीय भाषाओं खास तौर पर हिंदी और संस्कृत को लेकर खासी रुचि देखी जाती है। मम्मा नामो जोहरो हम दुशांबे निगारे वसती लोकहितम मम करणीयम न भोग भवने रमणीयम न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम। इस कार्यक्रम में शामिल हुए इस साल 2018 के पद्मश्री विजेता और ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हबीबुल्ला रजबोव ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा और भाषा दोनों देशों के बीच एक सेतु का काम करेगी। अभी ये विजिट हमारे देश अभी हो रहा है, ये मुझको ऐसा लगता है कि अगले सालों में भी जो संबंध की ताजिक लोगों को और हिंदुस्तान लोगों के बीच में है और मजबूत हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मध्य एशिया की पहली यात्रा है। ये यात्रा ताजिकिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और दुनिया ने ये मान लिया है कि आने वाले दशकों में वैश्विक विकास में भारत की बेहद अहम भूमिका होगी। रविवार को देहरादून में उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उत्पाद एवं सेवा कर को लागू कर देश में सबसे बड़ा कर सुधार किया है। आर्थिक विकास की दुनिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ ये हम कई दशकों से सुनते आए हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक अलग SEZ है और सदियों के हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या के कारण है, माँ गंगा के कारण है, देवाधिदेव हिमालय के कारण है और वो SEZ है स्पिरिचुअल इको जोन। यही तो है देवभूमि और सदियों पुरानी इसकी विरासत।
दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी देहरादून में किया। ये राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन भी है। प्रधानमंत्री ने थीम पवेलियन के जरिए राज्य की औद्योगिक प्रगति को देखा। इसमें राज्य की हरेक क्षेत्र की नई तकनीक की झलक दिखी। उत्तराखंड में बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, हैंडीक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश में कई आधारभूत संरचना विकास के काम चल रहे हैं, इससे निवेश के लिए अवसर बढ़े हैं। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च किया जा रहा है पहले कभी नहीं किया गया। इस वजह से निवेश की अपार संभावनाओं के साथ ही रोजगार के भी लाखों नए अवसर बन रहे हैं। पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस, यही प्रोग्रेस का सूत्र है। साथियों, न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन डेस्टिनेशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उत्पाद एवं सेवा कर को लागू कर देश के सबसे बड़े कर सुधार किए हैं। इसके साथ ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से व्यापार करने में सुगमता आई है। वहीं पिछले साल 10,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ और 400 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डों और हेलीपैडों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और पर्यटन के नए केंद्र बनाने की बात कही। बीते 4 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, हर प्रकार से उत्तराखंड को कनेक्ट किया जा रहा है। गांव गांव में पक्की सड़कें पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, 4 धाम ऑल वेदर रोड। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ यहां के टूरिज्म सेक्टर को मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने 12 क्षेत्रों को चिन्हित कर निवेश के लिए कई नीतिगत बदलाव भी किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 70,000 करोड़ के निवेश से उत्साहित होकर कहा कि राज्य में 13 नए पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। हमको लगा कि कुछ नीतिगत परिवर्तन की जरूरत है अगर निवेशकों को हम और आकर्षित उत्तराखंड की ओर करना चाहते हैं, और पिछले एक महीने में हमने 10 नीतिगत निर्णय इस राज्य में दिए। जो निवेशक है उनसे जब बातचीत करके जो हमको महसूस हुआ कि उनकी किस तरह की कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, और उन कठिनाइयों को दूर करने का काम, उन कठिनाइयों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हमने इस पिछले एक महीने में किया है। उत्तराखंड के पहले निवेशक महाकुंभ से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नया आयाम भी मिलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जिन राज्यों ने तेल पर अब तक वैट यानी कि मूल्य कर कम नहीं किया है उन्हें जल्द ही ऐसा कर जनता को राहत देनी चाहिए। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने तेल के दामों में कटौती की है और राज्यों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग तथाकथित गरीबों की नुमाइंदगी करने की दावा करते थे, घड़ियाली आंसू बहाते थे, उनकी असली चेहरा अभी क्राइसिस के समय में ध्यान में आई है। मैंने पहले भी कहा था, भारत की लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी उस विषय पे संवेदनशील है। उस चुनौती भरा स्थिति में हमने सामान्य लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकारों की मदद से एक रास्ता निकाला है और लोगों को राहत मिली भी है। उसमें सबको सहयोग करने की आवश्यकता, जो राजनीति कर रहे ऐसे नहीं करनी चाहिए, उनको भी अपने हिस्से की भैंट घटानी चाहिए।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर 2.5 रूपये की कटौती के 2 दिन बाद इन पदार्थों के दामों में फिर से बढ़ोतरी को लेकर आलोचना की है। पार्टी ने मांग की है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़े ने रविवार को नई दिल्ली में प्रेसवार्ता में कहा कि बीते 4 सालों में सरकार ने जनता से पेट्रोलियम पदार्थों पर कर से 13 लाख करोड़ रूपये की वसूली की है और इस बारे में पूछे जाने पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय योजनाओं पर धन खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस पर करों के माध्यम से राज्यों का हिस्सा करीब 1.5 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रूपये हो गया है, जबकि केंद्र का हिस्सा 1 लाख करोड़ रूपये से बढ़कर 3 लाख करोड़ रूपये हो गया है। राजधानी में 3 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में अपने संबोधन में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि देश के युवाओं को प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट बदलाव से जूझ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। डॉ. हर्षवर्धन ने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि जागरूकता पैदा कर पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सहयोग से ही पोलियो को लगभग खत्म किया जा सका है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस महोत्सव के दौरान राजधानी के 3,540 बच्चों ने एक साथ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेकर रविवार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। इस जागरूकता प्रशिक्षण के आयोजन में शहर के 18 स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम के 2,582 बच्चों ने बनाया था। जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों पर से पर्दा हटाने वाली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी तो इसका असर आशंका से कहीं ज्यादा बदतर होगा। क्लाइमेट चेंज पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में जारी एक व्यापक मूल्यांकन के आधार पर यह अंदेशा जाहिर किया है। जलवायु परिवर्तन पर यह एक बहुत ही अहम समीक्षा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए बड़ी चेतावनी है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऐसे हालात से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैस और कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही होगा। जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से आगाह करती इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो भारत को साल 2015 की तरह जानलेवा गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 2500 लोग मारे गए थे। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुमान पर इस साल दिसंबर में पोलैंड में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए समझौते की समीक्षा करेंगे। सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में से एक देश होने के कारण भारत इस वैश्विक बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बढ़ते तापमान पर खतरे की घंटी बजाते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि औसत वैश्विक तापमान 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग 2030 से 2052 के बीच 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लखनऊ में बहुमंजिला इमारतों का प्रचलन तेजी से तो बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा के मानकों में बड़े पैमाने पर शिथिलता देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि विभाग इसका ऑडिट कराएगा और कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में 13 अक्टूबर को यह आयोजन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि जो भी यहां पे अथॉरिटीज हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है किसी भवन को बनने की और उनके मानक तय करने की, उनके साथ मिलकर के हम एक ऑडिट कराएंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो भी मानक नहीं पूरे गए हैं उनको पूरा कराने की कोशिश होगी, जिससे कि जो भी उसमें रह रहे हैं उनको कोई दुर्घटना उनको न सहनी पड़े, इसकी निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि काफी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लखनऊ में लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस पूरे चीज को प्रकरण को पूरा करने में समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत आप समझने की ऑलमोस्ट हो चुकी है। हम उनसे अब बातचीत करके इसको आगे बढ़ाएंगे। भारतीय वायुसेना आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रही है। पिछले करीब 8 दशकों में भारतीय वायुसेना तकनीकी और सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो गई है।
वायुसेना दिवस के मौके पर आज दिल्ली के पास हिडन वायुसेना केंद्र में भव्य परेड और अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल पीएस धनोआ परेड का निरीक्षण करेंगे। इस परेड में भारतीय वायुसेना के जाबांज अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी, जिसमें वायुसेना के अनेक विमान हिस्सा लेंगे। बदायूं जिले की नगर पंचायत फैजगंज बहेटा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के नाम पर पंचायत द्वारा सड़कों पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर में घोटाला प्रकाश में आया है। 3 लाख रुपए की कीमत के स्पीड ब्रेकर के 10 लाख रुपए पंचायत से निकाले गए हैं। इस मामले की सभासदों द्वारा शिकायत पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने इस मामले की जांच एडीएम को सौंपकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्पीड ब्रेकर घोटाले के साथ और भी कई मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन सभी मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। के द्वारा विभिन्न जो कार्य किए गए हैं उनको लेकर के एक शिकायत वहाँ के सभासदों ने ही की है। उसमें आपका ये स्पीड ब्रेकर का भी मामला कि 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए जबकि उनकी कीमत 3 लाख रुपए होगी। इसी तरह फॉगिंग मशीन की क्रय की शिकायत है, पैच मरम्मत की शिकायत है, एसी की शिकायत है, तो और कई शिकायतें हैं, कुल 13 शिकायतें हैं इसमें। उसकी सभी शिकायती बिंदुओं की जांच के लिए एडीएम ई को अधिकृत किया गया है और एडीएम ई साहब इसकी जांच कर रहे हैं। लोगों के बयान लेने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अब जांच के बाद जो भी निकलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज लखनऊ के इको पार्क में केंद्र और राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस महारैली में करीब 3 लाख कर्मचारियों ने शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकेश तिवारी ने कहा कि इस महारैली के माध्यम से सरकार पर जोर दिया जा रहा है कि वे पेंशन की पुरानी व्यवस्थाओं को बहाल करें। वहीं ऑल इंडिया रेलवे फाउंडेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्र ने कहा कि पेंशन बहाली की मांग सरकार के सामने कई बार रखी गई और अगर इस सिलसिले में सरकार द्वारा शीघ्र ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो संसद के सामने प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। 12-13 साल हो गए हमने देखते हुए, तो हम लोगों ने सूचना का अधिकार में सबसे पूछा तो पता लगा पैसा हमारा डाल देगी सरकार ने। हमारे साथ सीएजी की रिपोर्ट आई तो उससे पता लगा 700 करोड़ रुपए हमारा खा गए सरकार और दूसरे मतों में डाल दिया। 900 करोड़ में 700 करोड़ चला गया, यानी 80% रुपया हमारा चला गया। और इसके बाद जब ये सिस्टम बनेगा हमारा 30 साल बाद हम देखेंगे, जब रिटायर होंगे तो पता लगेगा हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा कर्मचारी सबको भी आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग 13 साल में जब सिस्टम नहीं बन पाया तो इस सिस्टम में हम नहीं जाना चाहते। अब हम नए सिस्टम में कोई नहीं जाएंगे, हमारी पुरानी व्यवस्था ही सरकार को लागू होगी। आज इस सवाल के ऊपर तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी, रेल कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, शिक्षक, ये जो अधिकारी संघ है वो सारे के सारे एक मंच पर हैं। हम लोगों ने जब 11 जुलाई 2016 को हड़ताल का नोटिस दिया था तो मैं सबसे पहली मांग हमारी यही मांग थी। कई तरह सारा जो हुकूमत में इकट्ठा हुआ तो सारे देश में यही स्थिति बन रही है। हम दिसंबर के महीने में ऐलान कर चुके हैं कि जिस समय पार्लियामेंट सेशन में होंगे विंटर सेशन में तमाम देश भर के लोग जो है वहां पर इकट्ठा होने का काम करेंगे और अगर हमारी मांग तब तक नहीं मानी गई, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, तो हम उसी दिन जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। हम उम्मीद लेके आए हैं पुरानी पेंशन हमारी लागू हो। हम लोग पुरानी पेंशन के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली बहाल कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों का क्रमिक कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश के आवाम पर और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तब तक हम लोगों का यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इस महारैली को केंद्रीय कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी एसबी सिंह, सुधीर सिंह अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ और शेर सिंह प्रधानाध्यापक भदोही ने भी संबोधित किया। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव में 3 दिवसीय किसान प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में वैज्ञानिकों ने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। किसानों ने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराकर उन्हें गेहूं, धान, बाजरा आदि की जैविक खेती की पैदावार दोगुनी करने के गुर सिखाए। प्रदर्शनी में खेत को मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए केचुआ पालन केंद्र खोलने की भी सलाह दी जा रही है। इसके लिए उन्हें 12,000 रूपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ये पावन रिज भूमि पावन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ग्राम लंगला चंद्रभान में दिनांक 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी ने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है।
इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को और मथुरा की समस्त जनता को, लंगला चंद्रवान की जनता को मथुरा रिफाइनरी के विभिन्न कार्यों के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से क्रिएटिव पैनल्स जो लगाए गए हैं उसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ मथुरा रिफाइनरी के कॉरपोरेट सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मथुरा के विकास के लिए जो कार्य मथुरा रिफाइनरी की तरफ से पहल हुई है उन कार्यों की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही साथ इसमें एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है। सर, हमने छोटे रूप में जेसीबी का व्यू दिखाया, देखिए सर, हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, मटेरियल से बना है। तो जब किसी चीज में दबाव पड़ता है तो वो पूरा आकार नहीं ले पाती है। एक मिनट देखो, सबसे बड़ी बात ये हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। इसको प्रमोट करने के लिए जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करती है, और आज हम यहाँ परे में कृषि मेला के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने किसान भाई को अप्रिशिएट करने के लिए। और कंपनी ने यहाँ एग्रीकल्चर पंप जो किसान के लिए फार्मिंग के लिए उसके लिए हेल्प करते हैं, उस पंप को प्रमोट कर रहे हैं। और उसका मेन उद्देश्य यह है कि किसान भाई के लिए एक अच्छा पंप एक अच्छी रेट में इकोनॉमिकल रेट के अंदर उसको प्रोवाइड हो सके, जो पानी अच्छा देगा और बिजली उसकी बहुत कम खाएगा, तो उसको उस हिसाब से बहुत बेनिफिट मिलेगा। रेंज कंपनी के पास काफ़ी बड़ी है, और इस रेट के आसपास जो कस्टमर को पंप मिलेगा वो मेरे ख्याल से और कोई कंपनी नहीं दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित अंत्योदय योजना एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बरेली में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गैस कनेक्शन और अंत्योदय कार्ड का वितरण किया। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र के 150 अंत्योदय लाभार्थियों को कार्ड दिए गए। बरेली जिले में पिछली सपा सरकार की कारगुजारियों के चलते 2 साल से राशन कार्ड का वितरण बंद था। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो हमारे यहाँ नगरीय क्षेत्र का राशन कार्ड है, प्रथम चरण में वो जनपद का आ गया है, लगभग ये 2 लाख की संख्या में है, और आज लगभग 150 राशन कार्ड का वितरण आज किया जा रहा है। इसके बाद ही हमारे इसी हफ्ते में 9 तारीख को पूरे जनपद में एक राशन कार्ड वितरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सभी लाभार्थियों को मैक्सिमम उस दिन राशन कार्ड बांटा जाएगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जिले में भले ही देर से अंत्योदय योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, परंतु यह सुनिश्चित है कि सरकार की मंशा के अनुसार यह लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अगर अव्यवस्था से तुरंत बांट दिया जाता तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो जाती। पूरे उत्तर प्रदेश के मेरे खाद्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने लगकर एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाकर इसको लागू किया है। मैं तो अपने सभी खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदरणीय मोदी जी का और हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का उस सिद्धांत के लिए कि समाज के अंत में बैठे हुए व्यक्ति को जब तक हम ऊपर नहीं उठाएंगे, उसको सुविधाएं नहीं देंगे, उसको रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं करेंगे, एक ये पहल जो है वो नहीं की है बल्कि इसका क्रियान्वयन किया है। और अब लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन चारबाग का पुनर्विकास होना अब तय हो गया है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC ने भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर चारबाग रेलवे स्टेशन का नमूना तैयार किया है। इसकी विशेषता यह है कि ऐतिहासिकता को सहेजते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। पुनर्वास के कार्य का शुभारंभ शीघ्र ही शुरू होगा। कानपुर पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास राम मंदिर निर्माण के लिए अनुकूल समय है। सरसैया घाट स्थित श्रीराम जानकी मंदिर में पत्रकारों से बातचीत में नृत्य गोपाल दास ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश से भ्रष्टाचार दूर किया है, अब मंदिर निर्माण की बाधा भी वो दूर करेंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में संतों ने प्रधानमंत्री से मिलकर मंदिर निर्माण के लिए ज्ञापन दिया। जो महान संत देश गए हैं उनकी बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें मूल विषय था भगवान राम लला जहाँ विराजमान हैं वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सारे देश के मूर्धनी संत वहाँ पधारे थे दिल्ली में, सभी ने बैठ करके
ये निर्णय लिया, शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ देव भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के निर्मल और अविरल गंगा का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लोग इस मुहिम से जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर गंगा के सफाई अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में से सप्ताह में एक दिन निकालकर गंगा के आसपास के लोग गंगा घाटों की सफाई के साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। रायबरेली में भी इसका असर देखा जा सकता है। यहां पर गिगासो डलमऊ गंगा घाटों पर लोग गंगा सफाई में अपनी भूमिका का योगदान दे रहे हैं। गंगा स्नान के लिए आई महिला शिखा ने बताया कि इसमें अकेले एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मिलकर गंगा को निर्मल बनाया जा सकता है। मोदी तो करके चले जाएंगे, मोदी जी की साफ है साफ है, पर वो बार बार आएंगे तो नहीं आएंगे, तो आम ही आदमी यहाँ पे कुछ भी चीज करने के लिए, पूजा करने के लिए, नहाने के लिए, तो वही उन्हीं की जिम्मेदारी बनता है ज्यादातर साफ सुथरा रखने के लिए, करने के लिए, तभी तो दोबारा आने के लिए यहाँ पे सोचेंगे। जब गंदा करके यहाँ से जाएंगे तो फिर क्या फायदा। वहीं संत समाज में भी इसके प्रति जागरूकता है। उनका कहना है कि ये हमारी धरोहर है परंतु ये लुप्त होती जा रही है, इसको बचाने के लिए हम जितना अधिक कोशिश करें उतनी ही कम है। रूप देखें अगर स्वच्छता में तो सरकार ने एक अहम रोल निभाया है स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छता पर आम लोगों की सहभागिता तो 70% ही है, हम चाहते हैं कि ये 100% हो जाए। जब तक आम जनमानस सहयोग नहीं करेगा सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार प्रेरित करती है, सरकार प्रेरणा देती है स्वच्छ करने के लिए, ये तो सरकार के काम है। लेकिन अब स्वच्छता करना, स्वच्छ रहना, समाज को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, ये आम जनमानस की ही बात है। नमामि गंगे के तहत हमारी सरकार ने पूरी तरह से गंगा को स्वच्छ करने का संकल्प लिया है और बड़ी तेजी के साथ पे इस पर अमल भी हो रहा है। सरकार की मंशा है कि गंगा स्वच्छ रहें, अविरल रहें, निर्मल रहें। यह अभियान आम लोगों में पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। नोएडा के सेक्टर 94 में बिल्डिंग गिरने से कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। मौके पर पहुंचे पुलिस दल, एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम ने मलबे के नीचे दबे हुए 10 मजदूरों को निकाला। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि घायल हुए व्यक्तियों में 4 की मौत हो गई जबकि अन्य 6 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो भी कारण रहा उसकी जांच हो जाएगी, तो उससे ये शटरिंग गिर गई जिसमें करीब 9 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें अभी हॉस्पिटल सभी लोगों को भेजा गया है, 1 की सूचना है डेथ हो गई है और 8 लोग जो है इंजर्ड हैं। तो ये प्रोजेक्ट के इंजीनियर वगैरह हैं वो तो बता रहे हैं कि कनेक्टिंग पिन फेल हो जाने के कारण, एक ट्रैक्टर भी था इसमें जो कि बेस में लड़ा है इसमें, इसके शटरिंग के बेस में, तो ये इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी के बाद ही स्पष्ट हो सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ताजिकिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने संबोधन में कहा, भारतीय समुदाय के लोग देश के हैं सच्चे सांस्कृतिक दूत। उन्होंने भारत ताजिकिस्तान संबंधों को मजबूती प्रदान करने में भारतीय समुदाय की भूमिका को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश तेजी से बदलाव की ओर है अग्रसर, आने वाले दशकों में वैश्विक विकास में भारत की होगी अहम भूमिका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश के युवाओं को प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए देना होगा अपना योगदान। और भारतीय वायुसेना मना रही है आज अपना 86वां स्थापना दिवस। भारतीय वायुसेना तकनीक और सामरिक दृष्टि से पिछले 8 दशकों से हो गई है मजबूत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।